वेलकम बैक। पाकिस्तानी जोड़े की गलत पार्किंग पर अमरीकी अदालत में पेशी हुई। पाकिस्तानी नजाद अमरीकी जवाद खान ने जुर्माने की सजा सुनने के बाद जज फ्रैंक कैप्रियो को तोहफे में चुतराली टोपी पेश कर दी। अभी आखिर हुआ क्या ये जानने के लिए जवाद खान और उनकी अहलिया हमारे साथ इस वक्त यूएसए से मौजूद हैं। जवाद सलाम अलैकुम, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। अच्छा, अजराए मजाक में आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि यार ऐसा क्या हुआ था कि आपने जज को टोपी पहना दी, वो भी चुतराली? असल में था ये कि यहाँ पे आप जब पार्किंग करते हैं तो ओवरनाइट आप पार्किंग गाड़ी नहीं छोड़ सकते, लेकिन चूंकि मेरी अहलिया जो है इस स्टेट से नहीं है और उनको लॉस का नहीं पता था, तो मैंने उनसे पूछा गाड़ी पार्क कर दी, उसने बोला हाँ, तो नेक्स्ट डे देखा तो उस पर टिकट लगा हुआ था। तो जब मैं गया टिकट पे करने के लिए कोर्ट में, तो वहाँ पे जाके पता लगा कि मेरे पास दो और भी टिकट्स हैं, लेकिन वो मेरी गाड़ी पे नहीं, मेरी अहलिया की गाड़ी पे हैं। तो वो दो टिकट जो थे फर्दर तकरीबन कोई मेरे ख्याल से $400 के थे, तो फिर इनको वहाँ पे कोर्ट में जाना पड़ा था। तो फिर इनको साथ में लेके गया वहाँ पे, फिर पता लगा कि इन्होंने जो है वो रेड पे राइट टर्न्स ले लिए थे और कैमरे ने इनको कैप्चर कर लिया था। तो जिस पे फिर हमारी जज साहब से जो है काफ़ी बातचीत वगैरह हुई, और प्लान ये था कि मतलब बहुत लोग बोल रहे हैं कि मतलब आप लोग प्लान करके गए थे, ये था वो था। बात ये थी कि मतलब मुझे तो पता था कि वो यहीं पे बैठते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे रह रहा हूँ जब से मैं यहाँ पे मूव हूँ। तो मैंने सोचा अगर उनसे मुलाकात हुई तो चले उनको मैं गिफ्ट दे दूंगा, क्योंकि मेरे वालिद साहब लेके आए थे लास्ट ईयर, और उनका उनकी थी ख्वाहिश कि मैं उनसे मुलाकात करूँ जाकर, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं कर पाए उनसे मुलाकात। तो गिफ्ट उनका पड़ा हुआ था, तो मैंने बोला चले कभी मौका मिला तो जाएंगे। मौका मिला, चले गए वहाँ पे, टिकट भी था और साथ में जो है उनसे बातचीत वगैरह हुई, और फिर एंड में मैंने उनको तोहफा पेश किया जो कि उन्होंने बहुत दिल से कबूल किया और बहुत खुश हुए, और उन्होंने एंड में टिकट भी हमारी डिसमिस कर दी। वाह क्या बात है। जवाद भाई ये बताएं, ओरिजिनली आपका ताल्लुक पाकिस्तान में कहाँ से है? मेरा ताल्लुक पेशावर से, बल्कि हम दोनों का ताल्लुक पेशावर से ही है, खैबर पख्तूनख्वा। ज़बरदस्त। अच्छा, इसीलिए फिर क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं पखोल, तो पखोल इज़ अ डिफरेंट थिंग एंड चित्राली टोपी इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन मोहब्बत जो है वो दोनों की सेम ही रहती है। मोहब्बत मतलब मेरी इंटेंशन ये थी कि मैं पाकिस्तान की तरफ से उनको गिफ्ट दूं, लाइक अच्छा, हम इससे पहले भी फ्रैंक कैप्रियो जो है वो बड़े मशहूर जज हैं अपनी जजमेंट्स और अपनी कन्वर्सेशंस के हवाले से। जिस वक्त आपने उनको टोपी पेश की तो उनके क्या जज्बात थे, उन्होंने क्या कहा आपसे? वो बहुत खुश हुए, बल्कि उन्होंने हमें अपने पास बुलाया ऊपर ही ऑन द टेबल, और बोला कि इनको ले गया ऊपर, हमें ऊपर लेके गए, वहाँ पे उनके साथ हम खड़े हुए। तो वो ही वाज ट्राइंग के मतलब फिगर आउट करें कि टोपी कैसे पहनूं, क्योंकि न्यू थी उनके लिए। तो मैंने उनको बोला लेट मी हेल्प यू, तो फिर मैंने उनको जो है टोपी पहनाने में हेल्प की। तो वो मैं उनसे 3-4 दफा मिल चुका हूँ, लेकिन इस बार उन्होंने वीडियो अपलोड करवा दी। तो अच्छा, ये 3-4 मुलाकातें सारी तो यहाँ पे जो हमारे कम्युनिटी में इवेंट्स होते हैं तो उन पे भी हम मतलब मुलाकात वगैरह हो जाती है। इसके अलावा टिकट भी मैं ले चुका हूँ, तो उस पे भी मुलाकात हुई थी उनसे, लेकिन उन्होंने हर बार टिकट डिसमिस किए हैं, क्योंकि मतलब वो अगर आपकी गलती ना हो तो डिसमिस कर। अच्छा अच्छा, अब ज़रा हम भाभी से भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस एज वेल। ओके, सो विच स्टेट डू यू बिलोंग फ्रॉम एंड व्हाट वर रूल्स डिफरेंट? Oklahoma, nothing is different, but there is no cameras on the lights. Okay. And we have a lot of cameras here, so that's the only difference. Okay, so you were caught, that was the difference? That was the difference, yes. Okay, so you know, it's not about comparing the system, but whenever we see Judge Frank Caprio's video, what we conclude is a very frank judge. Whenever you go to him, it's not like you know, scolding anybody and else, but listening to the appellant, listening to the people, and then passing on such remarks that the appellant or the people who are coming with the ticket, they are waived as well. So when your ticket was waived, what was your feeling? I was feeling good. अच्छा, वैसे जवाद भाई प्रोफेशनली आप वहाँ पे क्या करते हैं, कितने अरसे से रहे?
मैं मोटल्स रन करता हूं और बिजनेस वगैरह मैनेज करता हूं। ओके, कितने अरसे से आप वहां रह रहे हैं? मुझे हो गए हैं ओवर लाइक 7-8 इयर्स, 7-8 साल हो गए मुझे। ओके, अच्छा वैसे ये जज जो हैं ये बड़े मशहूर हैं, तो सिर्फ ये वीडियो रिकॉर्ड करने की हद तक खुश अखलाक नज़र आते हैं, या फिर जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपकी कम्युनिटी पार्टीज़ में जब आपकी मुलाकात होती है उस वक्त भी ये उतने ही खुश अखलाक नज़र आते हैं? ये मतलब जितना कैमरे पे आपको खुश अखलाक नज़र आते हैं, इससे कई गुना बढ़कर ये एक्चुअल लाइफ में आपको खुश अखलाक नज़र आएंगे। लाइक यू वुडंट बिलीव कि ये मतलब इतने बड़ी पर्सनैलिटी, डाउन टू अर्थ। ठीक है, थैंक यू सो मच जवाद भाई एंड भाभी, और हम दुआ करते हैं कि आप मजीद जो है वो टिकट्स आपके पास ना, और अगर आए भी तो वो जज जो हैं वो फ्रैंक कैप्रियो, उनके साथ ही जो है आपका मुकालमा हो।